श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। हम अभी भारत से बाहर न्यूजीलैंड में हैं। हमको टीवी समाचार के द्वारा और मीडिया के द्वारा पता लगा बांग्लादेश की स्थिति पर। भयंकर स्थिति है वहां की, खूब उपद्रव हो रहे और पथराव हो रहे हैं। हिंसा पर लोग सड़कों में, लगभग 3-4 लाख से ज्यादा लोग वहां की राजधानी ढाका में उतारू हो गए। हमको बड़ा कष्ट पहुंच रहा। हम विश्व शांति की मंगल कामना करते हुए बालाजी के चरणों में बांग्लादेश में भी शीघ्र शांति हो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज्यादा प्रपंच बना हुआ है। हम प्रार्थना करना यह चाह रहे हैं आप सभी से और भारत सरकार से, इस वीडियो के माध्यम से। जैसा हमें टीवी समाचार में देखने को मिला, वहां के हिंदू भाई बहन परेशान हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बहुत उपद्रव मचे हुए हैं। भारत सरकार से हमारी प्रार्थना है कि अब बहुत ही जल्दी भारत को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए, वरना वो बेचारे कहाँ जाएंगे। और वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से मन हमारा पीड़ित है। हम उनसे कहेंगे कि आप लोग सब्र रखें, आप लोग अपना ध्यान रखें, एकता बनाए रखें और किसी भी प्रकार से किसी के भी विरोध में ना पहुंचें। विनम्रता पूर्वक आप लोग रहें ताकि वहां शांति कायम होवे और हनुमान जी महाराज आप सबकी रक्षा करेंगे। ऐसी हम मंगलमय प्रार्थना, तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहें तुम्हारी शरणा। इस चौपाई का सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। इस चौपाई का पाठ वहां बैठ करके आप करो। हम यहां से हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं और भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं कि अपने द्वार को खोलकर बांग्लादेशी हिंदुओं को शरण दे करके उनको जो है प्रसन्न करें। यही इस वीडियो के माध्यम से हम प्रार्थना करना चाहेंगे। जय श्री राम। रक्षा कौन कर सकता जिसके पास कुछ हो? हनुमान जी के पास कुछ है? हाँ है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर जानकी माता। क्या भाई हनुमान जी के पास रक्षा करने के लिए कुछ है? हाँ है। क्या है? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर जानकी माता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर जानकी माता। श्री राम जय राम, जय जय राम। रक्षा इसलिए हनुमान जी कर सकते हैं क्योंकि सिद्धियां हैं, लेकिन सिद्धि भर से तो कोई रक्षा कर नहीं सकता। सिद्धि तो हो गई शस्त्र, बल भी तो होना चाहिए। रक्षा दो प्रकार से होती है, सुरक्षा वाले सुनो, दो प्रकार से सुरक्षा होती है। एक अस्त्र शस्त्र से, एक शस्त्र से, एक अस्त्र से। शस्त्र द्वारा भी रक्षा की जाती है और शरीर द्वारा भी रक्षा की जाती है। तो हनुमान जी दोनों लिए हैं कि एक तो मुग्धर है, सिद्धियां हैं, दूसरा क्या है? राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत। बल है, कितना बल है? बल अनलिमिटेड है, इसलिए अतुलित लिखा। अतुलित बल धामा, बल है, अतुलित बल है। अच्छा, हनुमान जी का बल किसी ने देखा? हाँ, रावण से लड़ाई हुई हनुमान जी की। सुनो एक कथा बल के ऊपर। रावण हनुमान जी से हैरान हो गया हर मामले में। रावण हनुमान जी से इस बात पे खींच गया कि पूरे युद्ध को और हमारे वर्चस्व को मिटाने का श्रेय हनुमान जी को है। पूछो क्यों? रावण ने सोचा ना ये लंका आता, ना जानकी जी का पता बताता,
ना राम जी लंका आते, ना हमारा वर्चस्व मिट पाता। तो रावण पूरी जड़ समझता था हनुमान जी को। अच्छा, लंका आ गया, अगर ये एक दो बार ये पिट गया होता तो बढ़िया, ये जितनी बार गया उपद्रव करके ही गया। रावण ने सोचा एक काम करें, युद्ध तो हार ही रहे और इसी बंदर के चक्कर में हार रहे, एक काम करें बंदर को मार दिया जाए, और तो मर नहीं रहा किसी से। रावण ने सोचा हम ही हैं बलवान, हम मारते हैं। तो रावण युद्ध भूमि में गया, जब युद्ध चल रहा था तो राम जी से नहीं लड़ा, हनुमान जी से बोला हे बंदर आजा, एक एक मुक्का की हो जाए, किसमें कितना बल है, एक एक मुक्का की, मुक्का जानते हो, एक एक मुक्का की हो जाए। हनुमान जी बोले नहीं रहने दो, अब एक एक मुक्का की मत खेलो, हमारे बॉस से निपटो, अगर हमने कहीं मार दिया हो तो मर गए तो रामलीला यहीं पूरी हो जाएगी। रावण बोला रहने दो, हमें जानते नहीं हो, हम रावण हैं, चलत दसानन डोलत अबनी, जब हम चलते हैं पृथ्वी डोलती है। हनुमान जी हंस के बोले तुम्हारे तो चलने में पृथ्वी डोलती है, हमारे प्रभु के तो जब छोटे भैया बोलते हैं तब पृथ्वी डोलती है। तुम तो कोई खास नहीं हो, हमारे प्रभु के तो भैया ही खास है। रावण बोला बातें मत बनाओ बंदर, अगर दम हो और तू राम का दूत है आजा, एक एक मुक्का की हो जाए। हनुमान जी बोले ज्यादा खुजली मची हो तो आजा आजा आजा। तो रावण हनुमान जी बोले होना क्या है। हनुमान रावण बोला एक मुक्का हम मारेंगे, एक मुक्का तुम मारो, जिसका ज्यादा असरकार होगा वही ज्यादा बलवान। हनुमान जी बोले रावण एक काम करो, पहले तुम मारो। रावण से बोला तुम मारो, रावण बोला नहीं 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 तुम मारो। हनुमान जी बोले कहीं हमने मार दिया और तुम निपट गए तो तुम्हारी खुजली बरकरार ही रहेगी, कहीं हमने मार दिया और तुम निपट गए तो खुजली बरकरार रहेगी, आत्मा बन के ब्रह्म राक्षस और बनोगे, क्योंकि ब्राह्मण हो ब्रह्म राक्षस बनोगे, तुम मारो। रावण बोला नहीं 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 तुम मारो। हनुमान जी बोले समझा करो तुम लगो। रावण ने भी मन में सोचा जब इतनी बार बोल रहा है तो पहला दाव दबा के दे दो, ताकि बंदर कप जाए, और हार्ट में मारो ताकि ब्लॉकेज हो जाए सीना में, तो श्वास लेने में दिक्कत हो जाए, एक ही बार में हनुमान जी को समझ में आ जाए। हनुमान जी से रावण बोला हम तैयार हैं। हनुमान जी बोले हम भी तैयार हैं। रावण बोला तो खाना पीना तो नहीं है। हनुमान जी बोले हम तो खाए पिए, तुम्हें खाना पीना हो तो पी खा लो, तुम खाते पीते तो हो नहीं, पीते खाते हो तो खाते पीते। रावण बोला नहीं हम तैयार। हनुमान जी बोले हम भी तैयार हैं। अब हनुमान जी खड़े हो गए छाती सीना तान के। रावण ने मुक्का बनाया, लाल उंगलियां हो गई इतना जोर से मुक्का बनाया, और एक मुक्का बनाकर रावण ने दूर तक गया और दौड़ता दौड़ता आकर हनुमान जी की छाती पर जोर से मारा मारा। हनुमान जी थोड़ा पीछे हुए, थोड़ा सा पीछे होकर फिर खड़े हुए। रावण को तो ये भरोसा था कि हम मुक्का मारेंगे तो एक ही मुक्का में बंदर चला जाए चला जाए चला जाए, लेकिन हनुमान जी तो ज्यों के त्यों खड़े। रावण बोला कुछ असर हो रहा है। हनुमान जी बोले कुछ नहीं ठीक है। रावण बोला चक्कर नहीं आ रहा है। हनुमान जी बोले नहीं बिल्कुल ठीक दिख रहा है। रावण बोला क्यों तिलमिली सी छा गई क्या। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं सब एकदम ठीक है। अब रावण चिंता में कि इतना जोर का मुक्का जब ये बंदर सह गया जरूर मोटी खाल का है। हनुमान जी बोले अब बातें बाद में, अब हमारी बारी है, हो जा तैयार। रावण बोला तैयार ही है। हनुमान जी भागे नहीं, 360 डिग्री का मुक्का घुमाया हनुमान जी ने पीछे से, जहां मुक्का बनाया एक पैर आगे एक पैर पीछे। ऊपर बैठे बैठे ब्रह्मा जी ने देखा कि जिस हिसाब से मुक्का बनाए हैं अगर हनुमान जी ने रगड़ दिया तो इतई तेरहवीं हो जाने। ब्रह्मा जी तुरंत प्रकट भए, रुक जा रुक जा रुक जा। हनुमान जी बोले बीच में ना आओ, आओ बीच में ना आओ, दो जन्म को युद्ध चल रहा नहीं था भाई, तुम्हारी हड्डी पसली टूट गए हैं। अरे ब्रह्मा जी बोले रुको तो रुको तो। रावण बोलो कहाँ आ रहे बीच में, चलो ब्रह्मा जी।
ब्रह्मा जी बोले ज्यादा लुक लुकी चढ़ी हो तो हम खुलवा दें हाथ। हाँ रावण बोलो मतलब, ब्रह्मा जी बोले जोन हिसाब से भाई साहब मुक्का बनाए हैं पाताल में गड़ जाने। रावण को लगा के जब हमारे मैटर में ब्रह्मा जी इंटरफियर कर रहे तो सच में बड़ा मैटर है। तो रावण ब्रह्मा जी से बोला करें क्या, ब्रह्मा जी बोले थोड़ा साइज घटवा रहे ताकि मार क्षमता कम हो। ब्रह्मा जी हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी बोले भगो। ब्रह्मा जी बोले सुनो तो अगर जो तुम मुक्का जो बनाए हो ना अगर तुम्हें मशक देने तक ई की अंत्येष्टि क्रिया हाँ हड्डियां नहीं मिलने हैं। अब पूरी राम कथा इतना ही हो जाने तो जो राम कथा लिखी है कि राम जी ने मारो रावण, हनुमान जी को मारो लिखने पड़े, पूरी राम कथा की पिक्चर बदल भी पड़े। कृपा करके मारो ना। हनुमान जी बोले बा जब रावण ने मारो तो तब नहीं तुम प्रकट भैया, हमारी दारी प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी बोले नहीं 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 हम रोक नहीं रहे, मारो तेरा साइज घटा दो डिग्री घटा। हनुमान जी बोले कितनी थोड़ी, तो हनुमान जी ने लई सो 360 डिग्री से 160 डिग्री कर। अब ठीक है, ब्रह्मा जी बोले अभी भी ठीक नहीं, थोड़ा और कम करो। रावण बोले क्यों इतने में भी असर होगा। ब्रह्मा जी बोले इतने में लगभग 4-6 महीने तुम कोमा में रहोगे, थोड़ा साइज और कम की गई, 60 डिग्री कम हनुमान जी ने कर दिया। अब ठीक है 100 डिग्री बचा, अब नहीं कम। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं थोड़ा और कम। रावण बोला क्या इतने में भी लपड़ा है। ब्रह्मा जी बोले 20-25 दिन तुम बिस्तर से नहीं उठोगे इतने में। हाँ ब्रह्मा जी बोले ज्यादा तुम्हें टेंशन हो तो छुड़वा दें। रावण बोलो नहीं थोड़ा और साइज घटवा, थोड़ी साइज और घटा। हनुमान जी थोड़ी और साइज घटा, हनुमान जी ने 40 डिग्री और घटाया। अब बस अब तो हो गया अंतिम है। रावण बोलो लो लगो, हनुमान जी ने 140 डिग्री का जहां मुक्का मारा 20 भुजाओं वाला 10 सिरों वाला रावण धरती पर गिरा धड़ा, बेहोश हो गया। अब हनुमान जी बोले पानी ले आओ, पंखा कर रहे हनुमान जी। ब्रह्मा जी बोले अब क्या कर रहे हैं। हनुमान जी बोले हमें टेंशन हो गई कहीं रामायण इतनी तो नहीं पूरी हो गई यार।